गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है प्रहलाद और मैं अभी खेत की तरफ आया हूँ और ये आम का गाछ है मेरा और इधर पोखर है जो देख सकते हैं। थोड़ा सा पोखर में पानी हो गया है बारिश का ही और मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो चलिए आप लोग को पहले दिखा देते हैं। और आप लोग मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोग को पहले दिखा देते हैं। और गाइस ये है मेरा आलती का खेत, इधर है पोखर और ये तो है, ये है मेरा आम का और यहाँ पे मेरा पूरा वो वाला कांटा का घास था। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, देख लीजिए ये कांटा और यहाँ पे था, यहाँ से लेके वहाँ तक इसको एक दिन काटे और वहाँ जो दो गतार का गाछ है वो बीच में जगह है ना वहाँ पे भी काटे और उधर भी फेंकाया हुआ है, वो कनम भी था उधर भी काटे और यहाँ का सब फेंके उठा के लद्दी में और इधर का मतलब इधर का जितना कटा सब फेंकाएगा फिर, और देखने में भी अच्छा लग रहा है उतना वो सब झुटो का घास भूसा जंगली झंग नहीं कुछ काम का ही नहीं है और कुछ कांटा कुसा अच्छा भी नहीं लगता था और अभी काट दिए तो पूरा साफ सुथरा लग रहा और देखने में भी अच्छा लग रहा। नहीं तो जब कांटा उटा था ना बहुत ख़राब लगता था देखने में भी और यहाँ बैठते थे तो डर भी लगता था थोड़ा कि उसमें सांप होगा ये हो ये हो, मतलब पूरा बहुत बराबर था, हमसे भी बराबर था और अच्छा था, बहुत मोटा मोटा मतलब ढेरी था, मतलब यहाँ से वहाँ वहाँ उधर बहुत था, काट दिया। अब देखने में भी अच्छा लग रहा है और इसको अभी फेंक देंगे और साफ़ सुथरा कर देंगे, फिर बैठने उठने में फिर दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे बहुत लोग आके बैठता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और यहाँ पे थोड़ा राहत मिलता है आम का गाछ है तो, और ठंडा भी रहता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, धूप भी उगता है और अभी तो उतना धूप नहीं उगता है, नहीं हवा चलता है नहीं और कुछ, गुम्बस इतना करता है कि करने के बाद पूरा हालत ख़राब हो जाता है, नहीं लाइट देता है दिन में ना और कुछ, पूरा हालत ख़राब। यही आप लोग को दिखाना चाहते थे, ये अब देखने में भी अच्छा लग रहा है पूरा साफ़ सुथरा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।